मायो इटालियन स्पेगेटीज बनाऊंगी जिनमें हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, जो है ये रोज़मेरी, ओरिगेनो, और ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये फ्रेश चिलीज लाल मिर्चें हैं जिनको कट भी कर लिया है, ये बेजल लीव जिन्हें हम गुले रेहान कहते हैं, ये मायो, ये चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ है, चॉप गार्लिक है, और ये ब्लांच की हुई गाजर, ये गोभी बन गोभी पर्पल वाली, शिमला मिर्च बंद गोभी ग्रीन, और पेपरकॉर्नी, ये इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। आए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इसके अंदर मैंने ऑयल डाल के गार्लिक डाल दिया, अब हम इसको पिंक करेंगे, थोड़ा सा हो जाए लाइट ब्राउन। इसके बाद रोजमेरी और ओरिगैनो और ये कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। अब इसके साथ ही हम पेपरकॉर्न डाल देंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। सॉल्ट, नमक इसमें होता है तो इसमें नमक ना ही डालें तो बेहतर है, फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा। फ्रेश ताज़ी लाल मिर्चें कटी हुई, अब इसमें मायो डाल देंगे। और ये मोज़रेला, ये अच्छा सा मिक्स हो गया। अब इसके अंदर मैं सब्जियां डालूंगी, ये शिमला मिर्च, बंद गोभी, ग्रीन वाली गोभी, ये गाजर, एक डेढ़ मिनट तक हम इन्हें अच्छे से सॉटे करेंगे, चलाएंगे, मिक्स करेंगे। बेजल लीव्स, ये स्पेगेटीज डालेंगे, मिक्स कर देते हैं अच्छे से। नमक अपने हिसाब से, सॉल्ट जिसको जितना पसंद हो वो डाल लें। अगर आपको ज़्यादा मायो पसंद है तो मायो आप डाल सकते हैं इसमें, और क्रीमी बन जाएगा और ज़्यादा अच्छा। नाज़रीन, ये अब हमारी इटालियन मायो स्पेगेटीज तैयार हो गई है, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। शुक्रिया।